नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइज हम लोग हैं नॉर्थ एडमिंटन के एक एरिया में। आज जो आपको घर दिखाएंगे वो है 22-25 स्क्वायर फीट घर, और ये घर है अभी सेल पर। इस घर में आपको दिखाएंगे कि आपको इंटीरियर में कितने फीचर्स मिलेंगे, कैसे बेडरूम के लेआउट है, क्या क्या एडवांटेज है इस घर में। अब आपको लेकर चलते हैं इस घर के पूरे टूर पर। मैं ऑलरेडी घर के अंदर खड़ा हूँ तो थोड़ा बहुत स्नीक पीक आपको दिख ही रहा होगा लिविंग रूम का। तो चलो अब शुरू करते हैं इस घर का टूर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। और इस बिल्डर की जो डिटेल है वो ट्रॉय वेस्ट इस घर के बिल्डर है, उनकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो चेक देम आउट। चलो अब शुरू करते हैं इस घर का टूर। सो यहाँ से एंटर करेंगे इस 22-25 स्क्वायर फीट घर के मेन फ्लोर पर। जैसे ही आप यहाँ मेन फ्लोर पर आओगे आपको ये अपग्रेडेड रेलिंग भी दिखेंगी सामने ही। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, काफ़ी ओपननेस और अपग्रेडेड घर इससे लगता है। अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं पहले मेन फ्लोर के की एरिया में। तो ये देखो यहाँ पे दी हुई है ये अपग्रेडेड किचन। मेन फ्लोर पर पूरी आपको 9 फीट सीलिंग मिलेगी, और ये सेंटर में काफी अच्छे साइज का आइलैंड भी लगा हुआ है। बहुत ही बड़ी साइज की ये किचन यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि 2200 से ऊपर बड़ा ये घर है तो बहुत ही बड़ी किचन स्पेस दी हुई है यहाँ पर। डबल टोन यहाँ पे कैबिनेट्स लगे हुए हैं, नीचे डार्कर कलर के हैं और ऊपर वाइट कलर के, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। और ये डबल डोर फ्रिज। ये घर इस वक्त सेल पर है, बिल्डर का नाम है ट्रॉय वेस्ट। सारी बिल्डर की डिटेल सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आपको पहले मैं दिखाता हूँ पैंट्री एरिया। तो यहाँ पे पैंट्री की बेस्ट फीचर देखो, ऑटोमेटिक लाइट, सेंसर से लाइट ही अपने आप जल गई। और काफी बड़ा ये पैंट्री एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना किचन का सारा सामान रख सकते हो। पूरे ही मेन फ्लोर पर दी हुई है लग्जरी वाइनल प्लैंक फ्लोरिंग, और ये पैंट्री का डोर भी है तो आप सारा सामान अपना यहाँ सेपरेट कर सकते हो। तो ये पैंट्री का डोर भी है, आप यहाँ सारा सामान अपना सेपरेट कर सकते हो। और यहाँ बैक से अब मडरूम का एक्सेस। बहुत ही प्लान तरीके से घर ट्रॉय वेस्ट ने बनाया हुआ है, बहुत बड़े साइज का है मडरूम है। और ये बैक में है 2 कार गैराज की एंट्रेंस। अब आपको लेकर चलते हैं मेन लिविंग एरिया में। काफ़ी स्पेशियस ये मेन फ्लोर दिया हुआ है, सामने फायरप्लेस भी दी हुई है। बहुत ही बड़े साइज का ये लिविंग एरिया दिया हुआ है इस घर में, और सामने काफ़ी बड़े साइज की विंडो भी है। काफ़ी ओपननेस रूम है, और क्योंकि बड़ी सीलिंग है तो इसलिए पूरे लाइट फिक्स्चर थ्रू आउट वॉल पर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, तो ब्राइट और ओपन दोनों ही घर लग रहा है। इस लिविंग रूम के ऑपोजिट में ही आपको मिलेगा डाइनिंग स्पेस। ओपन कॉन्सेप्ट ये मेन फ्लोर है, यहाँ पर आप इजीली 8-10 सीटर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हो। और ये बैक से आपके यार्ड की एंट्रेंस यहाँ इस दरवाजे से होगी। अभी रफ ग्रेड यहाँ पे हुआ है, उसके बाद टॉप सॉइल डलती है और उसके बाद ऐसे पीछे ग्रास डलती है। इस मेन फ्लोर का बेस्ट फीचर है डेडिकेटेड साइड में ये ऑफिस। कुछ लोग इसको बेडरूम भी बना लेते हैं, बट काफ़ी बड़े साइज का देखो ये ऑफिस दिया हुआ है। ये ऑफिस स्पेस जो एक नुक एरिया होता है, इससे पता चलता है कि घर का साइज कितना बड़ा है। किचन, बड़ी किचन लिविंग एरिया के बाद भी आप एक काफ़ी बड़ा अगर ऑफिस बना सकते हो तो इससे पता चल रहा है कि, क्योंकि 22-25 स्क्वायर फीट वैसे ही बहुत बड़ा घर होता है। और यहाँ स्टेयर्स के ऑपोजिट में फुल बैथ। तो जो बड़े फ्लोर प्लान्स होते हैं गाइस, उसी में ही आप एक बहुत ये बड़ा फुल बाथ बना सकते हो मेन फ्लोर पर, ये भी बड़ा एक प्लस फीचर है। अब आपको लेकर चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर पूरा आपको कारपेट मिलेगा, और स्टेयर्स पे भी विंडो है, बहुत ही प्लस फीचर है नेचुरल लाइट के लिए। और ये सबसे पहले आपको सेकंड फ्लोर पर दिखाते हैं ये बहुत ही अच्छा लाउंज एरिया। डार्क कलर का कारपेट मुझे पर्सनली पसंद आता है, मेंटेनेंस के लिए काफ़ी इजी रहता है। थ्रू आउट सीलिंग पर लाइट फिक्स्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ट्रॉय वेस्ट ने,
और देखो ये वाली रेलिंग से कितनी ओपननेस आती है आपके पूरे फ्लोर प्लान पे। अब आपको दिखाते हैं टोटल इस सेकंड फ्लोर पर आपको कितने बेडरूम मिलेंगे। तो ये बेडरूम नंबर वन, क्लोजेट और बड़े साइज की विंडो सभी बेडरूम में दी हुई है, तो काफी अच्छे साइज की है क्लोजेट दी हुई है बेडरूम में। इसके साथ में बेडरूम नंबर सेकंड, एज अ गेस्ट बेडरूम, किड्स रूम, कुछ भी बना सकते हैं आप। यहां पर भी एक फुल क्लोजेट, डबल डोर क्लोजेट, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस घर की। डबल डोर क्लोजेट काफी अच्छी लगती है रूम में, साइज भी बड़ा है। और इसके साइड में है थर्ड बेडरूम। सेंटर में लाइट फिक्स्चर और यहां पर भी क्लोजेट दी हुई है। तो सब रूमों में काफी प्लांट स्टोरेज बनाई हुई है ट्रॉय वेस्ट ने। और इन तीन बेडरूम के सामने आपको मिलेगा एक कॉमन फुल बाथ। यहां पर दिया हुआ है सिंक, टब शावर कॉम्बिनेशन, डार्कर कलर की टाइल्स यहां लगी हुई हैं और एक विंडो भी है, सो नेचुरल लाइट के लिए विंडो भी अच्छी है। और अब दिखाते हैं आपको कि आपको लॉन्ड्री एरिया सेकंड फ्लोर पर उसमें कितनी स्पेस मिलेगी। तो यहां से आपको साइज पता चलेगा घर का। यहाँ आप लॉन्ड्री एरिया का वॉशर और ड्रायर लगा सकते हो। और सामने ये देखो शेल्फिंग ऑलरेडी बनाई हुई है, सो आपके लिनन वगैरह यहाँ पर आप सारे रख सकते हो। और यहाँ पर नीचे फ्लोर टाइल्स हैं और बाहर आपका कारपेट है। अब दिखाते हैं आपको प्राइमरी बेडरूम और साथ में एक और लिनन क्लोजेट है। ये है सेकेंड फ्लोर का सबसे बड़ा बेडरूम। आप इजीली किंग साइज बेड यहां पर लगा सकते हो। सेंटर में लाइट फिक्स्चर है और फोर बेडरूम है गाइज इस घर में। सो अगेन एक और एग्जांपल कि ये काफी अच्छे साइज का घर है। और इसके सामने है ये ऑन स्वीट डुअल सिंक, जो कि बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड फीचर होता है घरों में। एंड यहाँ सामने सोकर टब दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे बड़े साइज का ये टब है। फ्लोर प्लान काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इस घर में ट्रॉय वेस्ट ने। और यहाँ ऑपोजिट में आपको मिलेगा स्टैंडिंग शावर। और ये है सामने वॉक इन क्लोजेट, ऑलरेडी ये आप यहाँ पर अपना सामान रख सकते हो, हैंगर वगैरह। और वॉक इन क्लोजेट में भी आपको कारपेट मिलेगा और पूरे ऑन स्वीट में आपको टाइल्स मिलेगी, डार्कर कलर की टाइल्स है, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं इस घर की बेसमेंट में और दिखाते हैं अगर आपको बेसमेंट बनानी हो तो उसमें कितना एरिया मिलेगा आपको। सो यहाँ से हम बेसमेंट में एंटर करेंगे। बेस्ट फीचर इस घर का ये है कि अगर आप बेसमेंट आगे बनवाते हो तो ये साइड एंट्रेंस दी हुई है, आपके लिए रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं बेसमेंट में। सो 22-25 स्क्वायर फीट घर है। देखो अभी लाइट्स भी नहीं ऑन करी हुई तब भी कितनी नेचुरल लाइट आ रही है, क्योंकि आपको दो विंडोज मिलेगी इस घर में। बहुत ही बड़े साइज की ये बेसमेंट है, आपको लाइट भी जला के दिखाते हैं। सो ये पूरी बेसमेंट रेंटल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बनवा सकते हो, बिल्डर से या सेपरेटली कैसे भी। चलो अब आपको लेकर चलते हैं मेन फ्लोर पर। सो मेन फ्लोर पर दोबारा वापस आ गए हैं। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वीडियो एंड करेंगे। आई होप आपको ये घर पूरा पसंद आया होगा।
इस घर का, जैसे मैंने पहले भी बताया, 20-25 स्क्वायर फीट इस घर का पूरा एरिया है। ट्रॉय वेस्ट जो है वो इस घर के बिल्डर का नाम है। बहुत सारे फीचर्स इस घर में है। 4 बेडरूम लेआउट है, लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में नीचे ऑफिस या फिर बेडरूम आप बना सकते हो। मेन फ्लोर पर फुल बैथ है। आई होप ओवरऑल आपको ये घर पसंद आया होगा। कोई भी अगर कमेंट या फीडबैक है तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।